नाता है आपका कोई, अगर पर्टिकुलर आप शेयर करना चाहें। पिंक कलर जो है इसको एक स्थान दिया गया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को शक्ति मिले उसके लिए एक रंग चुना गया पिंक, और इसीलिए इस फिल्म का शीर्षक पिंक रखा गया, क्योंकि ये फिल्म उन महिलाओं के प्रति है जिनको हम सब शक्ति देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनके अंदर भी एक शक्ति है जिसका उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए। समाज में बहुत निरादर होता है महिलाओं का, और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होकर जो बल है उनके अंदर, जो मान है, जो मर्यादा है, और मेरा ऐसा मानना है कि 50% शक्ति जो है वो देश की महिलाओं की होती है किसी भी देश में, उसको ये समर्पित है ये फिल्म। सर आप अलग अलग मंचों पर या ब्लॉग में भी महिलाओं के लिए कई सारी बातें लिख जाते हैं, तो क्या ये फिल्म उन सभी चीजों को क्लियर कर जाएगी, कुछ ऐसा मुद्दा इसमें, क्योंकि ट्रेलर देख करते तो यही लगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि रितेश ने उसमें से कुछ प्रेरणा ली हो, ये मेरे अपने ख्यालात हैं, और कई ऐसे काम जो हैं समाज के लिए, और यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर होने के नाते मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें विश्वास है, और हम उसके लिए एक मान्यता उसको देने के लिए मैं उसके बारे में लिखता रहता हूँ। कुछ अंश शायद आपको इसमें भी दिखेंगे, क्योंकि धारणा तो एक ही होती है, वो चाहे कहीं भी लिखी हो या किसी के मन या किसी की कलम से निकले या किसी कलाकार के मुंह से निकले, लेकिन विश्वास होना चाहिए, और वही विश्वास आपको इस फिल्म में दिखाई दे। सर आज एक खबर आई कि ठग फिल्म में आप आने वाले हैं आमिर के साथ, कितनी सच है अगर आप उस पर थोड़ा लाइट, अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। अमित जी सबसे पहले तो आप लोग सबों को सलाम कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत सब्जेक्ट उठाने की कोशिश की, बहुत धारदार है सब्जेक्ट।